एपी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी पिछले वीडियो में आपने देखा है कि समांतर श्रेणी में हम कैसे किसी भी एपी का एन वा पद या कौन सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। इसको आगे बढ़ाते हुए हम एक नई चीज पर आज डिस्कस करने वाले हैं, एक प्रश्न के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि कहा गया है कि यदि ए फाइव इक्वल टू टेन और ए फोर इक्वल टू फोर्टीन हो तो ए ट्वेंटी वन ज्ञात कीजिए। ए ट्वेंटी वन मतलब कि इक्कीसवा पद में ज्ञात करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हमने इसका आंसर लिखना शुरू किया तो हमें कहा ए फाइव इक्वल टू टेन, ए फाइव इक्वल टू टेन, ए फाइव का मान अगर दस है तो ए फाइव जो है इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस फोर डी बराबर दस आ गया। ऐसे ही ए फोर बराबर चौदह लिखा हुआ है तो चौथा पद पूछा है क्या आ जाएगा, ए प्लस थ्री डी बराबर कितना आ जाएगा चौदह, ए प्लस थ्री डी बराबर कितना आ गया चौदह। ये समीकरण एक और समीकरण दो दोनों बन गए। समीकरण एक और दो दोनों को हल किया तो यहाँ पे जब हम इसे सोल्व करेंगे तो साइन इसलिए बदले हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इसे क्या किया है, घटाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये चिन्ह बदल गए तो ये कट गया, फोर डी में से माइनस थ्री डी कैंसिल हो गया तो डी बचा, और यहाँ दस में से चौदह गया तो माइनस के चार बचे। इस बी के मान को हमने समीकरण नंबर एक में रख दिया, ए प्लस फोर डी इक्वल टू टेन, ए प्लस फोर डी की जगह माइनस चार बराबर दस, ये माइनस के सोलह हो गए, उधर जाके माइनस का सोलह क्या बन गया छब्बीस, दस जोड़ के कितना बन गया छब्बीस बन गया दोनों एडो के। तो ये प्रथम पद तो आ गया हमारे पास में छब्बीस और सात अंतर आ गया माइनस चार। अब क्योंकि प्रश्न में हमसे इक्कीसवा पद पूछा है, इक्कीसवा पद पूछा है तो हम जानते हैं कि इक्कीसवा पद ज्ञात करने के लिए ए ट्वेंटी वन को लिख सकते हैं ए प्लस बीस डी, ए प्लस बीस डी यानी ए का मान तो छब्बीस, बीस ऐसा कैसा ही, और डी का मान माइनस चार, बीस में माइनस चार का मल्टीप्लाई किया तो माइनस के अस्सी, छब्बीस में से अस्सी गया तो कितना बचा माइनस के चौवन। इस प्रकार से हम इसे आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमसे ए ट्वेंटी वन की जगह एस ट्वेंटी वन पूछा जाता, एस ट्वेंटी वन का मतलब होता है कि सम, सम पूछा जाता कितने टर्म्स का, ट्वेंटी वन टर्म्स का। तो हमने पहले भी वीडियोज में देखा है कि सम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम देखें इधर। इसका एक फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसको हम एक बार फिर लाते हैं। तो किसी भी एपी के योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है उसको ध्यान से समझें। जो किसी भी एपी के एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल का जो सूत्र हमने पढ़ा था वो था हमारे पास में एस एन बराबर एन बटे दो 2a plus n minus 1 into d। इस सूत्र में मान रखे हम उस एपी के कितने भी पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, चाहे a और d का मान डायरेक्ट दिया जाए या नहीं दिया जाए। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि जब तक प्रश्न में a और d का मान ज्ञात नहीं हो, प्रथम पद और सार अंतर, तब तक हम प्रश्न को हल नहीं कर सकते। एक और चीज यहाँ पे समझने वाली बात है, पिछले वीडियोस में हमने देखा है कि एन वा पद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र पढ़ा था हमने, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें इस ए एन को एल भी कहते हैं जिसका हिंदी में मतलब होता है अंतिम पद। जैसे कोई सीरीज लिखी हुई है 100, 200, 300 पीछे 1000 आ गया, अगर पीछे 1000 आ गया तो इसका मतलब ये एल का मान है, ए एन है, 100, 200, 300, 400, 500, 600 सब आया होगा। तो इसमें पूछा जाता है एल या एन, लास्ट वाली टर्म की वैल्यू देखें और हमें काय का मान पूछा जाता है एन, एन जिसे कहते हैं पदों की संख्या। थैंक यू।